हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम समीर है और आपका समीर ब्लॉग चैनल पर स्वागत है। दो तीन सब्सक्राइबर हमारे कमेंट किए हुए थे कि नरपतगंज रेलवे स्टेशन का ब्लॉग बनाइए, तो अब हम आ चुके हैं नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर, स्पेशली उनको जो है अपडेट देने के लिए। उनका कहना था कि CRS और स्पीड ट्रायल के बाद जो है नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर क्या क्या तब्दीली हुआ है उसको दिखाइएगा। तो आज आपको हम छोटा सा टूर करवाएंगे नरपतगंज रेलवे स्टेशन का, और थोड़ा सा अगल बगल में काम भी हो रहा है ट्रैक पे आगे थोड़ा प्लेटफार्म से उधर, उसको भी दिखाएंगे क्या कर रहे हैं वो। और तीन चार ब्लॉग भी हम बना के अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी, फॉरबिसगंज जंक्शन का और सीताधार का और चकरदा हॉल्ट का और देवीगंज हॉल्ट का। तो देवीगंज हॉल्ट पर और चकरदा हॉल्ट पर तो काम तो ठीक ठाक चल रहा है, काम हो रही है, अच्छी खासी स्पीड है काम में। मगर सीताधार के पास और फॉरबिसगंज जंक्शन पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, एकदम स्लो मोशन में हो रहा है। कछुआ की रफ्तार जैसी होती है, ठीक उसी तरीके से जो फॉरबिसगंज जंक्शन पर काम हो रहा है, सीताधार के पास तो वो भी नहीं हो रहा है। और 2 अक्टूबर को DRM साहब कह रहे थे कि 2 अक्टूबर को जो है ट्रेन चलाएंगे, पता नहीं कैसे चलाते हैं, क्योंकि फॉरबिसगंज जंक्शन से लेकर के सीताधार तक जो है ना स्लीपर बिछा है ना ट्रैक बिछा है, ये कुछ नहीं भी है, ये दोनों में से कुछ नहीं बिछा है। तो उस तरफ जो है काम में बहुत सुस्ती है। अब 2 तारीख का बात है कि 2 तारीख को क्या करते हैं नहीं करते पता नहीं, 2 तारीख को कोई अपडेट मिलेगा तो आपको भी करेंगे अपडेट। और ललित ग्राम से लेकर यहाँ तक जो है CRS भी हो चुका है और जो है स्पीड ट्रायल भी हो चुका है, तो यहाँ पर जो है कम से कम जो है जो पैसेंजर ट्रेन को जो देना चाहिए चलाना चाहिए, क्योंकि ललित ग्राम रेलवे स्टेशन का जो है जो नेशनल हाईवे से जो है कनेक्टिविटी नहीं है, और नरपतगंज रेलवे स्टेशन को जो है जो नेशनल जो NS 57 है उससे कनेक्टिविटी है, तो उनको देना चाहिए यहाँ तक ट्रेन ताकि आम लोगों को जो सुविधा हो आने जाने में। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर और दिखाते हैं, अभी तो मैं स्टेशन पर हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको प्लेटफार्म। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक या चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर हूँ, और वो रहा स्टेशन भवन और उसके बाद वाला जो शेड है उसी में हूँ। अभी लेके चलूँगा पहले आपको उधर, वहाँ पे एक जो काम वगैरह कर रहे हैं रेलवे ट्रैक पे, देखते हैं क्या करते हैं और क्या क्या आगे हुआ है, तब्दीली सिग्नल वगैरह लगा कि नहीं लगा उसको आपको दिखाते हैं। चलिए आगे आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी ये सिचुएशन है नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर, अभी भी जो है जो काम हो रहा है इस जो प्लेटफार्म के ऊपर, वो वाला ट्रैक है उस पर जो है गिट्टी तिट्टी डालने का काम अभी कर रहे हैं वो, वहाँ केबिन है ना, केबिन से थोड़ा सा इधर सिग्नल के पास काम चल रहा है इस स्टेशन पे भी। चलिए लेके चलते हैं आपको वहाँ पर, दिखाते हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वर्कर्स लोग जो है रहते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सामने का व्यू, आप देख सकते हैं बादल भी कितना खूबसूरत लग रहा है। सिग्नल के पास लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 13 मीटर की ट्रैक होती है जो सीताधार तक तो हो चुका है, वहाँ से हर जगह से लाकर यहाँ पे इकट्ठा करने का काम करते हैं ये लोग, यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है सबको। इसके बाद यहाँ से फिर जहाँ से आएगा वहाँ चला जाएगा। चलिए दिखाते हैं वहाँ क्या क्या कर रहे हैं। ये रहा सिग्नल जिसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर बता रहे थे कि लाल बत्ती हरी बत्ती की जरूर लीजिएगा,
ये रहा आपका लाल बत्ती हरी बत्ती, ये जो है इस तरफ लगा है, एनएच के साइड भी लगा हुआ है, और एक यहाँ लगा हुआ है, एक इधर और एक वहाँ लगा हुआ है, दो नंबर प्लेटफार्म का। ये मेन लाइन का हो गया, ये एक नंबर का हो गया। चलिए लेके चलते हैं आपको आगे, आगे दिखाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आपको बताया था ना यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे जो है जो ब्लास्ट का जो ब्लास्ट को डालने का काम हो रहा है ट्रैक के ऊपर, लेबल में कर रहे हैं वो रहे इंजीनियर साहब। हाथ बांध कर खड़े हैं, वो देख रहे हैं लेबल। बस यही काम हो रहा है यहाँ पर। अब चलिए ले चलते हैं उस तरफ स्टेशन भवन पर और दिखाते हैं कि स्टेशन भवन के पास क्या क्या हुआ है। यहाँ पर जो सिग्नल वगैरह लग गया, बस यही तब्दीली है, एक सिग्नल लगा यहाँ पर। जब से एसपी ट्रायल और सीआरएस हुई है उसके बाद, और जो दो नंबर पर जो है ट्रैक का काम हुआ आगे, इसको सीधा करने का काम हो रहा है, देख ही रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं ये लोग सीधा करने का। अब चलिए लेके चलते हैं आपको प्लेटफार्म पर और दिखाते हैं आगे उस तरफ क्या हुआ है। अब हम आ चुके हैं एक नंबर प्लेटफार्म पर फिर से। चलिए अब आगे और आगे ले जाकर दिखाते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है अभी तक सीआरएस और एसपी ट्रायल के बाद। हमको तो ज़्यादा काम नहीं दिख रहा है, बस दिखने जो है एक नया चीज़ दिखा है, सिग्नल जो है जो लगा है बस वही दिख रहा है यहाँ पर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बस वो ट्रैक जो है उसको सीधा करने का काम हुआ है, आगे जोड़ने का काम हुआ है, यही नज़र आ रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए फिर भी लेके चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या क्या हुआ है। बैठने वाला बहुत अच्छा है, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही साफ सुथरी है एकदम मजे का। इधर दो शेड इस तरफ है और दो उधर है, ठीक इसी तरह, यानी कि एक प्लेटफार्म पर यानी कि दो नंबर पर जो है पांच ठो है, दो इधर है, एक दो तीन चार पाँच, और इस तरफ भी ठीक है, इस तरह दो इधर है और एक जो है जो बड़ा वाला शेड है यहाँ पे, और दो उस तरफ है, इस तरफ भी। यहाँ पे सीमेंटेड चेयर जो होता है उसको भी लगा दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं चेयर लग चुका है शेड के नीचे। ये रहा स्टेशन भवन पुरानी वाली, वो है न्यू वाली, और ये न्यू वाला भवन है, पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं। अभी का जो कंडीशन ये है देख सकते हैं, ये बारिश का मौसम है, कई भी लग चुका है, दो तीन महीने पहले जो है बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यानी मेरा पिछला वीडियो देखेगा उसमें स्टेशन भवन का जो है बहुत ही खूबसूरत था लग रहा था, अभी थोड़ा सा पानी तानी लग गया है ना, इसके कारण जो है थोड़ा सा कई लग गया है, कजली वगैरह पकड़ लिया। और उस तरफ भी जो है सिग्नल लग गया है, हम देख सकते हैं आगे, दिखाते हैं आपको जूम करके, सिग्नल जो है उस तरफ भी है लग। यही था यहाँ पर का अपडेट, ये आप सीमेंटेड चेयर भी देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ, इस तरफ भी लगा दिया, ये चीज नया दिखा। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो गाटर वगैरह जो है पेंट करने का काम चल रहा है, देख सकते हैं इधर गाटर वगैरह ला के रखा हुआ है, पेंटिंग का काम चल रहा है इस तरफ।
और आगे भी काम हो रहा है। वो ब्रिज दिख रहा है आगे, उसके नीचे जो है जो ब्लास्ट डालने का काम हो रहा है अभी ट्रैक के ऊपर यहाँ पर। सिग्नल जो है इस तरफ भी लग गया, NH-57 की तरफ से भी, इसमें लाइट वगैरह नहीं दिया गया मगर सिग्नल लग चुका है, और उस तरफ भी लग गया तीनों सिग्नल। तो ये नया चीज़ दिखा हमको, और वो ट्रैक जो था वो ट्रैक वहीं तक था, उसको पूरा जो है इसमें जो है जो मेन लाइन में जो है कनेक्ट कर दिया गया दो नंबर वाला का। तो ये अपडेट दिखा आपको, आपको दिखाए थे क्या क्या यहाँ पर अपडेट हुआ है। यहाँ पे बस दो चीज़ें हम देखे हैं जो अपडेट हुआ है, CRS और स्पीड ट्रायल के बाद दो नंबर प्लेटफार्म के जो ट्रैक है और वो जो है मेन लाइन से जो कनेक्ट नहीं था उसको जो है कनेक्ट किया गया है, और उसको जो सीधा करने का और उस पर जो है ब्रश डालने का काम चल रहा है, और दोनों साइड जो है जो सिग्नल का जो है काम हुआ है उसमें लाइट तो नहीं दिया गया है मगर सिग्नल लगा दिया गया है। तो ये अपडेट दिखा है यहाँ पर, और इस तरफ जो है पेंटिंग वगैरह का जो काम चल रहा है आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पेंट वगैरह जो है जो गार्डर पे कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।